तो भैया इस कहानी की शुरुआत होती है डेस्टिनेशन से 200 किलोमीटर दूर से, जहां मैं और मेरा फ्रेंड आज जाने वाले हैं कहीं और। वैसे जहां जाना है वो तो पता चलना ही है, पर निकलना हमें काफी पहले था, बट एक कमबख्त नींद ने लेट करा दिया। तो अब इतने लेट से निकले हैं तो भूख तो लगनी ही थी, तो मिलते हैं भैया खाने के बाद। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट माई बर्थडे, सो पार्टी बॉम्ब कहीं और। कान की चमकान कहीं और। आप जब सुबह से भूखे हो और 2 बजे अगर खाना मिले तो क्या टेस्ट होता है, बताने की जरूरत नहीं होगी। वैसे खाना हमने कुछ ज़्यादा मंगा लिया था, तो रात के लिए कुछ पैक भी करवा लिया उसमें से। वैसे अब यहाँ से बहुत देर, कुछ दूर है, वहाँ हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं। रास्ते में मिला हमें कंस्ट्रक्टेड बुद्धा जी का मूर्ति, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूर्ति है। लोगों को देखो गाइस, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। लो जी, अब कहानी की शुरुआत करते हैं बोध गया एंटर करके। अभी सतीश गया एटीएम से पैसे निकालने, और हमने बोध गया का जो मेन मंदिर है उसके हाँ जस्ट बगल में हमने रूम बुक कर लिया है, जो हमें 600 का पड़ा है बोध गया मंदिर घूमने के लिए। और आसपास के काफ़ी सारे शॉप्स है, तो देखते हैं, कुछ मन किया तो हम लोग परचेज भी कर सकते हैं। बोध गया का सबसे फेमस बड़े बुद्धा जी के मंदिर पे अभी जा रहे थे, उसके बीच में एक मॉनेस्ट्री मिला जो कि बंद है, और COVID-19 के बीच में काफ़ी सारे यहाँ पे मंदिर हैं जो कि मुझे अभी बंद मिल रहे हैं। बाकी बड़े बुद्धा जी का मंदिर यहाँ पे ओपन है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेन मंदिर है उसे हम सबसे लास्ट में जाने वाले हैं, बिकॉज वहाँ पे कैमरा और मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो उसके कारण वहाँ पे हम लास्ट में जाएंगे। एंड रात भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज शूट तो करना नहीं है वहाँ पे। हाँ, अंदर क्या क्या है, कैसा लग रहा है, वो सारा कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इंडिया में लोग एक्चुअल में सही ही बोलते हैं, कोरोना यहाँ से गया नहीं है, भाग गया है इन सारे भीड़ों को देखकर। वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं शूट तो नहीं कर पाऊँगा, इट मीन्स कुछ बोल तो नहीं पाऊँगा, बट जो नज़ारे आपके सामने है गाइस, क्या खतरनाक। बिल्कुल सनसेट के टाइम पे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी बड़े बुद्धा जी के मंदिर से हम वापस जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो यहाँ के कुछ सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो। तो गाइस, बोध गया का मेन मंदिर पीछे ही है, बट वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, और कैमरा तो मैं लाया नहीं है, मैं कैमरा से वीडियो नहीं करता हूँ, मोबाइल से वीडियो करता हूँ। तो कैमरा अलाउड है, कुछ चार्जेज आपको हैं जो यहाँ पे दिख रहे होंगे। वैसे ही यहाँ पे अभी मैं अंदर तो नहीं जा सकता, बस कोशिश करता हूँ कि आपको बाहर से ही कुछ कुछ दिखा पाऊँ। बाकी हम रात को मैं अंदर जाने वाला हूँ, बिकॉज रात का जो ब्यूटी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है और काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, तो हम रात को वहाँ पे जाने वाले हैं। बाकी गाइस, बाहर से ही मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं, आप उस चीज़ को एंजॉय करो। तो गाइस, बोध गया का मेन मंदिर एंटर करने से पहले यही वो जगह है जहाँ पे आपको सारे अपने इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे बैग, जूते, चप्पल, पर्स और जो भी चीज़ है, सारा कुछ यहाँ पे जमा करना पड़ता है। और अगर आपको कैमरा एंटर कराना है अंदर, तो उसके लिए एक चालान कटेगा, सारा आपका कैमरा चेक होगा, उसके बाद उस कैमरे को अंदर लेके जा सकते हैं। मैंने जैसा बताया गाइस, यहाँ पे मोबाइल को एंट्री नहीं मिलता है, तो मैंने बहुत कोशिश किया, चार्ज भी देने के लिए तैयार था मोबाइल के लिए, बट मुझे यहाँ पर अंदर ले जाने की ऑप्शन नहीं मिली। आज हमने बनाया है वेज ओवरलोडेड पिज्जा, चोकोलावा केक, उसके बाद है हॉट चॉकलेट या ब्राउनी, उसके बाद एक चॉकलेट केक है कुछ, उसके बाद यहाँ पे
मैक्सिकन टाको। तो गाइस इन सारी चीजों का पूरा टेस्ट लेते हैं, पूरा पार्टी करते हैं, मिलते हैं इसके बाद आपसे। सो गाइस आज का ये वाला ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। कल एक न्यू जर्नी के साथ कहीं और हम लोग घूमने को जाने वाले हैं। बाकी गाइस इस ब्लॉग में ऐसे ही बने रहो, काफ़ी कुछ और न्यू विजिट करने वाले हैं, कुछ और आपके लिए स्पेशल होने वाला अगले वीडियो में। बाकी गाइस ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये वाला वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाकी मिलता हूँ इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय गाइस।